यूट्यूब पे पिछले एक साल से नए यूट्यूबर के साथ बहुत ही बड़े लेवल का स्कैम चल रहा है, जिसको रोकने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। एक यूट्यूबर है जिसने इस स्कैम के विरुद्ध एक वीडियो बनाया, बट होना क्या था, स्कैमर्स ने उस वीडियो पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक देके वीडियो को टेक डाउन कर दिया। जितने भी न्यू क्रिएटर है जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यह स्कैम उनको इफेक्ट करता है। मैं नहीं चाहता कि आप इन स्कैमर्स के बीच में फंसो, इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ क्रिएटर यानी कुछ बड़े यूट्यूबर का नाम बताऊंगा जो अपने सब्सक्राइबर के साथ स्कैम कर रहे हैं। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर है इनके पास, फिर भी ये अपने सब्सक्राइबर के साथ स्कैम कर रहे हैं। शायद इस वीडियो के बाद मेरा चैनल डिलीट हो जाए, क्योंकि ये स्कैमर है, कुछ भी हो सकता है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्कैम का शुरुआत कहां से हुआ। 24 सितंबर 2023 को यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो का टाइटल था 30 डे ट्रेंडिंग टॉपिक चैलेंज। जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, मैंने 30 डे ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाया और उसे यूट्यूब पे पोस्ट किया। लास्ट 30 डे में मेरे साथ क्या क्या हुआ और मुझे क्या रिजल्ट मिला, मैंने इस वीडियो में शेयर किया था। इस वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, अभी के टाइम 1.2 लाख व्यूज है। तुम यकीन नहीं करोगे, सिर्फ इस वीडियो ने मुझे 4 आवर वॉच टाइम कंप्लीट करके दिया था। इस वीडियो पे अच्छा रिजल्ट आने के बाद मैंने एक और चैलेंज वीडियो बनाया विद वीडियो टाइटल 10 मिलियन व्यूज इन 90 डे मोनेटाइजेशन चैलेंज। इस वीडियो में मैंने 90 डे शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था। उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं, इस वीडियो में मैंने अपना रिजल्ट शेयर किया था। यह वीडियो भी व्यूअर्स को बहुत पसंद आया। इस वीडियो पे अभी के टाइम 2 लाख+ व्यूज है। अब मुझे पता चल गया था अगर मैं चैलेंजेस वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो मैंने वही किया जो व्यूअर्स देखना चाहते थे, मैंने 3 और चैलेंजेस वीडियो बनाया। ऑफकोर्स इन तीनों वीडियो पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब देख सकते हो इन तीनों वीडियो पे 1 लाख+ व्यूज है। अब देखो, इसे कुछ लोगों ने नोटिस किया और वो भी चैलेंजेस वीडियो बनाने लगे, बट उनके वीडियो पे मेरे से ज्यादा व्यूज आने लगा। पर वीडियो पे 2-3 लाख व्यूज आ रहे थे। अब देखो, मैंने सिर्फ 4 या 5 चैलेंजेस वीडियो पोस्ट किया होगा, बट ये लोग पिछले 8 महीने से लगातार चैलेंजेस वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। मैं अभी के टाइम चैलेंजेस वीडियो इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि चैलेंजेस वीडियो करने में टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है, बट ये लोग पिछले 8 महीने से लगातार चैलेंजेस वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। कैसे? जब मैंने इनका चैनल विजिट किया तो पता चला ये कोई चैलेंज नहीं करते, सिर्फ स्कैम करते हैं। स्कैम करके इनके चैनल पे बहुत ही अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये लोग अपने वीडियो में जितने भी स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, सबके सब फेक एडिटेड होते हैं। मेरे जितने भी चैलेंजेस वीडियो है, मैंने सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जिस चैनल पे मैंने चैलेंज को कम्प्लीट किया था उसका लिंक दे रखा है, क्योंकि व्यूअर्स वेरीफाई कर सके चैलेंज को मैंने कम्प्लीट किया था या नहीं, या सिर्फ फेक रहा हूँ। बट ये लोग कोई भी लिंक नहीं देते, इनफैक्ट इनके चैनल नेम भी ब्लर होते हैं इनके वीडियो में। तो आप क्या बोलोगे, ये लोग स्कैमर ही है? इनको स्क्रीनशॉट भी एडिट करना नहीं आता, ओरिजिनल स्क्रीनशॉट कुछ ऐसा होता है, बट इन स्कैमर का स्क्रीनशॉट कुछ ऐसा होता है। मैं बहुत पहले इनको नोटिस कर रहा था, बट मेरे से पहले एक क्रिएटर ने एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बना दिया, बट इन स्कैमर्स ने उस क्रिएटर के चैनल पे एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देके उसका वीडियो को रिमूव करा दिया, यानी टेक डाउन कर दिया यूट्यूब से। देखो, ये बहुत बुरी बात है, एक क्रिएटर का तुम स्ट्राइक दे रहे हो। तुम भी एक क्रिएटर हो, तुम्हें पता ही है स्ट्राइक का महत्व कितना होता है। सो मैं चाहता हूँ कि तुम इन स्कैमर्स के चैनल पे जाओ और जो करना है वो करो, तुम खुद समझदार हो। और हाँ, आप मेरे चैलेंजेस वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से आपको कुछ शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।